ऑयल पुलिंग एक काफ़ी पुराना आयुर्वेदिक प्रोसेस है जिसे हम गंडूष क्रिया भी बोलते हैं। इस प्रोसेस में हम एक चम्मच ऑयल मुंह में डालकर कुछ मिनटों तक घुमाते हैं और फिर उसे स्पिट आउट कर देते हैं, यानी बाहर फेंक देते हैं। इस एक छोटे से प्रोसेस से बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। जैसे जैसे लोगों को ऑयल पुलिंग के बारे में पता चल रहा है, लोग इसे अपने डेली रूटीन में ऐड कर रहे हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑयल पुलिंग से क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, कौन सा ऑयल इसके लिए बेस्ट होता है, कितने मिनटों ऑयल पुलिंग करना चाहिए और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर परिवार। और चलिए पहले जानते हैं ऑयल पुलिंग से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले ये हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखता है, यानी हमारे मुंह के अंदर से पूरी सफाई करता है, क्योंकि ऑयल में नेचुरल एंटीबायोटिक और नेचुरल एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। और बैक्टीरिया की वजह से ही मुँह में प्लाक पैदा होता है, प्लाक से दांतों में कैविटीज़ होती हैं, गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, गम्स में से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और जब हम अच्छे तरीके से ऑयल पुलिंग करते हैं तो हमारी दांतों से रिलेटेड हर तरह की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, क्योंकि जब हम ऑयल को बार बार अपने मुंह में घुमाते हैं तो ये सारे बैक्टीरिया को मुंह में इकट्ठा कर लेता है, और जब हम इसको स्पिट आउट करते हैं तो नेचुरली जो बैक्टीरिया है वो मुंह से बाहर निकल जाते हैं। अगर आप रेगुलरली 15 डेज तक ऑयल पुलिंग करते हैं तो आपको डिफरेंस खुद ब खुद पता चल जाएगा। फिर ऑयल पुलिंग से हमारी बॉडी भी डिटॉक्स होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स की एंट्री होती है वो मेनली हमारे मुंह के थ्रू ही होती है। कई बार हम बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, हम पैक्ड फूड खाते हैं, जब कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, फिर एयर पोल्यूशन होता है, इन सब में ही हमारे मुंह के थ्रू ही टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। लेकिन जब हम ऑयल पुलिंग करते हैं तो हमारे जो स्लाइवरी एंजाइम्स होते हैं, यानी जो हमारा स्लाइवा होता है, ये एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ब्लड में से केमिकल टॉक्सिन्स एनवायरमेंटल टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करके टंग के थ्रू रिमूव करता है। तो जब हमारी बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं, यानी जब बॉडी टॉक्सिन फ्री होती है, बॉडी में कोई भी विषैले तत्व नहीं होते, तो नेचुरली हमें बीमारियां भी कम होती हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है और हम दिन भर एक्टिव फील करते हैं। फिर ऑयल पुलिंग स्किन के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि ऑयल पुलिंग एक तरह की फेशियल एक्सरसाइज ही है। इससे रिंकल्स की प्रॉब्लम दूर होती है, हमारा एजिंग प्रोसेस स्लो होता है, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, क्योंकि जब हम ऑयल पुलिंग करते हैं तो हमारे जो फेशियल मसल्स होते हैं वो टाइट होते हैं, क्योंकि हम बार बार मुंह में ही ऑयल को घुमाते हैं, तो इससे फेशियल मसल्स टाइट हो जाते हैं, स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है और स्किन रेजुविनेट होती है। तो एक इसके इतने से छोटे से ऑयल पुलिंग के प्रोसेस को करने से हमारी बॉडी को इतने सारे फायदे मिलते हैं। इसीलिए अभी ये जानना ज़रूरी है कि ऑयल पुलिंग के लिए ऑयल कौन सा बेस्ट है, कितने टाइम तक ऑयल पुलिंग करना चाहिए और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आप ऑयल पुलिंग दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक यानी सुबह खाली पेट करें तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि सुबह सुबह जब हमारी बॉडी टॉक्सिन फ्री हो जाएगी तो हमारा दिन भर मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, एनर्जी लेवल हाई रहेगा और हम दिन भर एक्टिव फील करेंगे। लेकिन जब आप पहली बार ऑयल पुलिंग करते हैं तो पहले आप वीक में 3 से 4 बार ही करें, फिर धीरे धीरे आप इसको इंक्रीज करके रेगुलरली ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में पहले आपको 2 से 3 मिनट्स करना चाहिए, फिर आप 5 to 7 मिनट्स, फिर आप 7 to 10 मिनट्स, और फिर बाद में आप 10 से 15 मिनट्स तक भी ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। और जब आप रेगुलरली ऑयल पुलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप एक दिन में 3 बार तक ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ऑयल पुलिंग करने के लिए आप कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, यानी कोई भी एडिबल ऑयल, यानी जो ऑयल हम खा सकते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग कोकोनट ऑयल को सेफ मानते हैं, कोकोनट ऑयल से ऑयल पुलिंग करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप भी बिना किसी टेंशन के कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो इस ऑयल को कभी भी अपने गले के अंदर मत लेकर जाएं, यानी ये जो ऑयल होता है ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे टॉक्सिन्स मुंह के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। अगर ऑयल बॉडी में एंटर करेगा तो नेचुरली टॉक्सिन्स भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, तो हमें फ़ायदा होने की बजाय इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए कभी भी बच्चों को भी ऑयल पुलिंग नहीं करवाना चाहिए। और दूसरा, अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ऑयल पुलिंग करते हैं तो इससे आपके जॉज में पेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप इन 1-2 छोटी सी बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आप
ऑयल पुलिंग से बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ऑयल पुलिंग को ज़रूर ट्राई करें। आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।